আচৰিত কলা কৌশল মুখলৈ দ্ৰুতগতিত পানী খোৱাৰ পিছত এজন ব্যক্তিয়ে পুনৰ মুখৰ মাজেৰে পানী উলিয়াই আনিছে। প্ৰথমতে যাদু যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু এয়া যাদু নহয়, এয়া বাস্তৱ। আচৰিত প্ৰতিভা থকা এই ব্যক্তিজনক সকলোৱে ৱাটাৰমেন বুলি মাতিছে। চেন্নাইৰ বাসিন্দা 52 বছৰীয়া ৰবি শৰ্মা বিগত 35 বছৰ ধৰি তেওঁ খোৱা পানী মুখৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ কলা কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। প্ৰায় 8 লিটাৰ পানী দ্ৰুত বেগেৰে পান কৰি কিছু সময়ৰ পিছত মুখেৰে পানী পেলোৱাৰ প্ৰতিভা তেওঁৰ আছে। এনে কলা কৌশলে দৰ্শকৰ সন্মুখত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে। বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যেন কোনো যাদুৰ দ্বাৰা সেয়া সম্ভৱ। নাই, তেনে নহয়, এয়া যোগব্যায়াম। যোগাভ্যাসৰ ফলতহে এই কাম সম্ভৱ। 40 বছৰ ধৰি চাৰ্কাছৰ সৈতে জড়িত ৰবি শৰ্মা আৰু এই 40 বছৰৰ ভিতৰত 35 বছৰ তেওঁ খোৱা পানীৰ কলা দেখুৱাই দৰ্শকক আমোদ দি আহিছে। 3-4 বছৰৰ পুংখানুপুংখ অনুশীলনে এই কাম কৰিব পাৰে। এই কলা কৌশল দেখুৱাবলৈ ৰবি শৰ্মাই গোটেই দিনটো খাদ্য নাখাই থাকিব লগা হয়। এই কলা কৌশল সম্পূৰ্ণ খালী পেটত কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ এই কলা কৌশলটো দেখুৱাবলৈ কিমান কষ্টৰ প্ৰয়োজন সেয়া বুজা যায়। জি টিভি ছনি টিভিৰ শ্ব'তো কাম কৰি আহিছে ৰবি শৰ্মাই। চাৰ্কাছত এই কলা কৌশল দেখুৱাই তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। আন বহুতো শিল্প কৌশলৰ ভিতৰত তেওঁ এই আচৰিত কলা বাছি লৈছিল, কাৰণ তেওঁ ভাবে এই খেলখনত কোনো যাদু নাই, এয়া প্ৰকৃত খেল। গতিকে এই খেলখন দেখি মানুহে আচৰিত হয় আৰু তেওঁ মানুহক আমোদ দিবলৈ ভাল পায়। ৰবি শৰ্মা বৰ্তমান ৱাটাৰমেন নামেৰে পৰিচিত। मेरा नाम है रवि शर्मा, तो मोटा मोटी 35 साल से काफ़ी सारा खेल था, लेकिन मुझे यही खेल पसंद लगा जो ऑडियंस लोग जो देख के मनोरंजन ज़्यादा ये करते, मतलब खुश हो जाते देख के। है कि इस आइटम दिखाने के लिए दिन भर में जो है भूखा रहना पड़ता है, खाली पेट रहना पड़ता है, तो मिनिमम जो है ये मोटा मोटी 8 लीटर पानी पी के हम निकालते हैं। उसके बाद कलर का जो पानी है वो ज़्यादा नहीं, 3 लीटर पानी रहता है, उसको हम लोग डिवाइड करके अलग अलग करके निकाल देते हैं। लाल कलर हो गया अलग कलर, ये हरा कलर हो गया, ये सब। बाकी ये हम लोग अभी से नहीं है, मोटा मोटी हम लोग जो है रेमंड सर्कस, अपोलो सर्कस, जेमिनी सर्कस, रेमबो सर्कस, जितना भी है बड़ा सर्कस आर्टिस्ट है हम लोग। अभी जो सर्कस लाइन पूरा ख़त्म हो गया, तो थोड़ा बहुत जो शो चल रहा है उसी से अभी हम लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये भी जो है शो कोई ढंग का नहीं चल रहा है, पब्लिक उतना है ही नहीं। हम लोग जो है मनोरंजन दिखाने के लिए, लोग ऑडियंस उतना ज़्यादा खास रहता नहीं है, लेकिन फिर भी पेट पालने के लिए हम लोग कर रहे हैं इसका। योगा जो आजकल के टाइम में जो है, दिन भर अगर एक इंसान अगर बोलोगे दिन भर भूखा रहने के लिए नामुमकिन। और ये जो है हम लोग जैसे पानी पीकर वापस निकालते हैं, एकदम न्यूट्रन एकदम क्लियर रहता है, उसमें पेट के अंदर एक भी अन्नदान तक नहीं निकलेगा। इस एक आइटम के लिए हम लोग दिन भर भूखा रहते हैं, ये हम लोग का जो है रियलिटी शो है। इसमें कोई मैजिक नहीं, इसमें कोई जादू नहीं है। ये मिनिमम जो है 4 साल, 3 से लेकर 4 साल। जी 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 जी, जी मेरा घर है चेन्नई। जी 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 जी, इसी गवर्नमेंट तो हम लोग कुछ दिया ही नहीं है जो सर्कस के लिए कुछ और करे या कुछ ऐसा, तो कुछ तो मिला ही नहीं हम लोग को, इसलिए इसी ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं। अभी तो अपना जी सिनेमा में किए हैं, सोनी में किए हैं, तो उसमें क्या ज़्यादा अपॉइंट नहीं मिलता है, मोटा मोटी क्या है 20-25 हज़ार 30 हज़ार इतना तक हम लोग मिलता है। तो मतलब एक तो प्रोग्राम दिखाते हैं 20-15 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार हमको देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एज हो गया है 52। इस सर्कस का सबसे ज़्यादा ओल्ड मोटा मतलब पुराना आदमी है।